सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी में खाली सीट छोड़ने के चलन की आलोचना की है। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी से कहा है कि नीट पीजी में खाली सीटें छोड़ने से उम्मीदवारों को मुश्किल होती है, साथ ही योग्य डॉक्टर्स की कमी भी होती है। मई के बाद करीब 1456 सीटें खाली रह गई है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ अखिल भारतीय कोटा के ओपन राउंड के आयोजन के बाद उपलब्ध रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए विशेष राउंड की काउंसलिंग की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका को नीट पीजी 2021 में उपस्थित होने वाले डॉक्टर्स ने प्राथमिकता दी और ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 में भाग लिया, जिसके बाद ऑल इंडिया मॉपअप और स्टेट मॉपअप राउंड हुए। पीठ ने मेडिकल काउंसलिंग कमेटी या एमसीसी की ओर से पेश वकील से कहा, किसी भी कोर्स को खाली नहीं रखना चाहिए, ये देखना आपका कर्तव्य है कि वे खाली ना रहे, आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बेंच ने कहा कि मई में जब अधिकारियों को पता चला कि सीटें खाली है तो उन्हें मॉपअप राउंड करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा, जब हमें डॉक्टरों की आवश्यकता होगी तो सीट खाली छोड़ने से आपको क्या मिलेगा, हम कहां जा रहे हैं, कोई सुव्यवस्थित क्यों नहीं है, शिक्षा प्रणाली पर तनाव कम करें। क्या आप छात्रों और अभिभावकों के तनाव के स्तर को जानते हैं? बेंच ने काउंसलिंग प्रक्रिया के बीच में सीटों को जोड़ने पर अपनी आपत्ति व्यक्त की। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, काउंसलिंग के बीच में आप सीटों को क्यों जोड़ रहे हैं, एक कट ऑफ होना चाहिए कि आज तारीख में सीटों की संख्या है, प्रवेश दिया जाता है, इससे सीटों को जोड़ने पर भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर स्थितियां यही रही तो हम हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर जनरल को कोर्ट में तलब करेंगे और आदेश पारित करेंगे। हालांकि कोर्ट ने केंद्र और एमसीसी से आज ही हलफनामा दाखिल कर खाली सीटों के मुद्दे पर ये बताने को कहा है कि आखिर सीट क्यों खाली थी और उनको भरा क्यों नहीं गया। ये कहते हुए एएसजी आज अनुपलब्ध है और सभी परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए जवाब में एक हलफनामा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। एमसीसी के वकील ने एक दिन का समय मांगा। बेंच ने प्राधिकरण को दिन के दौरान अपना हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी, साथ ही टिप्पणी की, ये चिकित्सा मामलों में छात्रों के अधिकारों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं, केंद्र सरकार एएसजी द्वारा नहीं चलाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।